हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे अपडेट करते हैं, अपना फोटो हो गया या नाम या डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज आपको चेंज कर रहे हैं वो कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस आपको मैं दिखाने वाला हूँ। उसका वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आप कुछ भी एक स्टेप अगर छूट जाएगा आपसे या फिर कोई भी मिस्टेक हो जाएगा तो मे बी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। इसको ये जो प्रोसेस है इसको आपको कंप्लीट करने के लिए या फिर जो भी आपको चेंजेस करने हैं उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। वो कितना अमाउंट पे करना रहता है वो भी आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, और फिर चलते हैं आगे। तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप पे, या फिर आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसमें सिंपली क्लिक करना है आपको। फिर क्लिक करते ही आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पे आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है और लिंक को यहां पे पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट का वेबसाइट है इसलिए धीरे चलता है, तो पेशेंस रखिए। फिर ये धीरे से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद इसका कुछ इंटरफेस ऐसा आता है, और यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो नंबर और उसमें एक कोड रहता है वो कोड डालना है, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करना है। ये क्लिक होने के बाद ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर आधार और ऊपर एक कोड लिखा हुआ है, उस कोड को यहाँ पे नीचे पे लगाना है। फिर जैसे ही आप लगा दोगे आपको नीचे इंटर ओटीपी दिख रहा होगा। इंटर ओटीपी में जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक रहेगा उसी नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर ओटीपी पे डालना है, फिर आपको लॉगिन करना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए फिर आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो ऊपर में कोड दिख रहा होगा उसको डालना है, एज इट इज डालना है। जैसे जो लेटर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में, ऐसे आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे टैप करना है। फिर आपका जैसे ही ओटीपी आ जाएगा आपको वहाँ पे एंटर कर लेना है, आपको मैसेज में मिल जाएगा वो। फिर जैसे ही आपका कोड आ जाएगा आपको लॉगिन पे टैप करना है, आपका जो ओटीपी आएगा उसको डालना है, फिर इंटर पे प्रेस करना है, आपका जो अकाउंट होगा वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। याद रखिएगा अपना आधार कार्ड नंबर अच्छे से डालना, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा, और जो ऊपर कोड दिया रहेगा उसको भी ध्यान से डालिएगा। यहाँ पर हमारा लॉगिन हो गया है, और आपको चेक करना है अगर कि आपका ही लॉगिन हुआ है कि किसी और का लॉगिन हो गया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो ऊपर टॉप में आपको राइट टॉप में दिख रहा होगा एक लोगो जैसा बना हुआ है प्रोफाइल का, वहाँ पे आप टैप करोगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा, नाम नंबर या डेट ऑफ बर्थ और फ़ोटो वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आप कोई भी चूज़ करके उसमें आगे उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक प्रोसेस के लिए डाला हुआ हूँ, मेरा जो सरनेम है उसको मैंने चेंज किया है, उसमें जो लेटर है उसको करेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड कर सकते हो, ऑनलाइन अपडेट सर्विस है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वर्चुअल आईडी, लॉक अनलॉक, बायोमेट्रिक्स, ये सारी चीज़ें, ऑफलाइन ईकेवाईसी भी कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट्स है तो आप डॉक्यूमेंट अपडेट्स भी कर सकते हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे चेंज करना है, जैसे सरनेम का लेटर चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, या फिर अपना फ़ोटो अपडेट करना है, तो यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑप्शन पे ऑनलाइन अपडेट सर्विस, तो उस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन आएगा अपडेट आधार ऑनलाइन, तो उसमें आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको ये गाइडलाइन दिखाएगा कि आपको कैसे कैसे इसको चेंज करना है, इसमें कैसे कैसे इसको चलाना है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली देख सकते हो, फिर आगे मूव करना है आपको। यहाँ पे आपको प्रोसीड करके उस पर टैप करना है। तो यहाँ पे आपको जो एक नया पेज आ जाएगा उसमें आपको दिया गया रहेगा नाम चेंज करना है कि डेट ऑफ बर्थ, कि जेंडर या एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ अगर आपको पता नहीं है कि कैसे चेंज करना है तो यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन दिया रहेगा आस्क क्वेश्चन करके, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हो, आपको उससे पता चल जाएगा कि कैसे आपका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम में ऊपर टू अपडेट्स लेफ्ट, इसका मतलब ये है कि आप उसमें दो बार और चेंज कर सकते हो, फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। और जो नीचे देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ सिंगल एक अपडेट और कर सकते हो, और जेंडर में है सिर्फ एक बार आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मतलब जो लिखा हुआ है टू अपडेट्स लेफ्ट वन अपडेट्स लेफ्ट, इसका मतलब यह है कि एक बार या दो बार ही आप जो नाम है डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज कर सकते हो, उससे ज़्यादा बार नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको सिलेक्ट करना है, एड्रेस, जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको उसमें सिंपली क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद जो नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू अपडेट आधार, तो उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसमें एक नया पेज आएगा फिर से। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो सब लिखा रहेगा और उसमें क्या क्या आपको चेंज करना है वो आपके ऊपर है कि आप में आपने जो चेंज किया है, आपका जो आधार कार्ड में दिया हुआ है उसमें क्या मिस्टेक है, आपको क्या उसमें नया चीज़ डालना है, तो आप वहाँ पर डाल सकते हो। फिर डालने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको डालना है, डॉक्यूमेंट इसलिए लगता है ताकि ये जो चेंज जो आप कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो, मतलब जो आपका ऑफिशियल एड्रेस है, ऑफिशियल नाम है, ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है, उसको वेरीफाई करने के लिए एक आपको डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है। चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, 10th 12th का रिजल्ट हो सकता है, या फिर आप अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी हमें चेंज नहीं करना तो बैक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को खुद घर बैठे अपडेट कर सकते हो, आपको कहीं भी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ सिंपली 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, आप तुरंत अपने घर में ही कर सकते हो। और प्रिकॉशंस में ये बता देना चाहूँगा कि जैसे आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर लिंक रहेगा आधार कार्ड से, उस नंबर पे आपका रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या होता है, जैसे रिचार्ज नहीं रहता तो उसमें मैसेज वगैरह नहीं आते, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करते टाइम जो OTP मंगेगा वो OTP नहीं आएगा, तो हो सकता है वो आपका जो OTP आप नहीं डालोगे तो लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर है उस पर रिचार्ज होना चाहिए। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि पेमेंट भी करना पड़ता है, तो मेरे को अभी तो मैं यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं करा रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पेमेंट वगैरह नहीं दिखाएगा। तो जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, और मे बी कार्ड का भी कर सकते हो। तो मैंने इसमें ऑनलाइन किया था फ़ोनपे से। तो आपको क्या करना रहेगा, सिंपली वहाँ पे जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ से पे करना है, UPI से, कार्ड से, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, ये सब। तो जैसे UPI करोगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा UPI डालने के लिए। तो UPI आप जब भी डालोगे तो वहाँ पे अपना UPI जैसे आपने इंटर कर दिया फ़ोनपे, गूगल पे, किसी का भी, तो उसमें जैसे अब मैंने फ़ोनपे का UPI डाला तो फ़ोनपे में मेरा रिक्वेस्ट आ जाएगा कि आपको पे करना है कितना रुपए, 25 रुपये 50 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप वहाँ से फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वहाँ अगर पे कर दोगे फ़ोनपे में तो यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा वहाँ पे आपको शो हो जाएगा स्क्रीन में कि पेमेंट हो चुका है। और पेमेंट होने के बाद ये जो कम्प्लीट प्रोसेस है कि आपका नाम कब तक चेंज हो गया या फिर जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो कब तक अपडेट हो जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम 15 से 17 दिन लगते हैं। तो आपको इतने दिन वेट करना पड़ेगा, उसके अंदर ही आपका जो भी चेंजेस रहेंगे वो हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप 15-17 दिन के बाद यहाँ पे लॉगिन करके फिर खुद चेक कर सकते हो कि वो चीज़ें चेंज हुए हैं कि नहीं। तो कुछ इस तरह से आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में चेंज ला सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।